दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैंने आपको यहाँ पर ये बताने के लिए ये पोस्ट बनाई है कि आप किस तरह से अपनी इमेज है उसको क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे फॉर्म ऑनलाइन भरने होते हैं और वहाँ पर आपका फ़ोटो और आपका जो स्कैन है वो दोनों आपको 20 KB से कम में आपसे अपलोड करवाया जाता है। तो किसी भी फ़ोटो को अपलोड करने के लिए और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए उसका साइज़ कम करना पड़ता है। मैं उसी के रिलेटेड आपको ये बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है कि आपको फ़ोटो जो है अपने मोबाइल से या ईमेल से या डाटा केबल से या आपके कंप्यूटर में पहले से अगर सेव्ड है तो उस पर आपको राइट क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद करना होगा। ओपन विद के बाद आपको जाना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में। तो यहाँ से मैंने एक न्यूज़पेपर में से पिक्चर जो है उसको मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल से क्लिक करके अपने पीसी में डाला है व्हाट्सएप के ज़रिए। आप अगर जानना चाहते हैं कि किस तरह से व्हाट्सएप के द्वारा आप पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके भी उसे देख सकते हो। तो यहाँ पर पिक्चर का साइज़ कम करने के लिए आपको जाना होगा एडिट पिक्चर पे। एडिट पिक्चर के बाद आपको यहाँ पर क्रॉप पे जाना होगा। तो मेरे को सिर्फ पिक्चर चाहिए, बाकी एरिया मेरे को हटा देना है। तो यहाँ से मैं हैंडल को पकड़ के यहाँ सिर्फ पिक्चर रख लूँगा, तो बाकी जो फालतू एरिया है उसे रिमूव कर दूँगा। तो उसके बाद मुझको ओके कर देना। अब ये फ़ोटो जो है ठीक हो गई है। अब इसको मैंने इसका साइज़ भी ठीक करना है कि ये 20 KB से कम होना चाहिए। आइए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका साइज़ कितना है। ये पिक्चर है, इस पर राइट क्लिक, 124 KB है, मतलब इसका 124 KB है और हमें इसका साइज़ है जो 20 KB चाहिए। तो इसे फिर मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ फिर से एडिट में जाना है, तो यहाँ पर आएगा रीसाइज, ये ऑप्शन आ रही है रीसाइज की, इसे करना है। तो एडिट में जाने के बाद नीचे ऑप्शन आ रही है रीसाइज की और एक आ रही है कंप्रेस पिक्चर की, हमने कंप्रेस पिक्चर्स में जाना है। तो यहाँ पर होगा ईमेल मैसेज, डोंट कंप्रेस डॉक्यूमेंट, वेब पेज, तो हमें वेब पेज कर देना है। तो ये देखिए ओरिजिनल साइज़ है 124 KB है और कंप्रेस्ड होने के बाद 12.6 KB बन गया। इसे हमने ओके कर देना है। फाइल का साइज़ ठीक हो गया और हमें जाना है फाइल पे, सेव कर देना है, सेव एज कर देना है। तो कहीं पे भी आप इसे सेव कर लो। मैं 111111 इसका नाम रख देता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो। सेव कर देते हैं, से क्लोज कर देते हैं। तो मैंने 11 इसका साइज रखा था, ये रही, और देखिए इसका साइज है जो 124 12.4 KB हो चुका है। तो इसे हम कहीं भी अपलोड बड़ी आसानी से कर सकते हैं।